तो वीडियो को शुरू करते हैं, बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दूसरा शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देख पा रहा हूँ लिंग भूगोल है, संस्कृति भूगोल है, सैन्य भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। सो इन चार में से राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चिकित्सा भूगोल। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। सो क्वेश्चन नंबर दो का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी यमन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है, जलभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधा या फिर अशांत वातावरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, थ्री कर रहा है, देख पा रहे आप लोग, सॉरी थ्री हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर करा है कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग है, यानी कौन सा जो जनसंख्या का आयु वर्ग है वो जो कार्यशील के लायक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन देख पाऊंगे, 0 से 15 है, 15 से 59 है और 10 से 35 है और 65 से 69 है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 15 से 59 वर्ष। फोर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव करा है इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, देख पाऊंगे समता है, सतत पोषणीय है, उत्पादकता है, उपयुक्त सभी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सतत पोषणीय, समता और उत्पादकता, ये तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कर रहा है देख पा लूँगी, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन है, व्यापार है, सेवाएँ हैं या संचार है या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सेवाएँ, व्यापार, संचार, ये तीनों है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, सेवन का देख पा रहे, क्या कर रहा है कि बिग इंच संबंधित है, किससे संबंधित है, पाइपलाइन से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से। सो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पाइपलाइन से, जो कि जिसका परिवहन होता है तरल पेट्रोलियम, जो आपको पता होगा, ये भी पूछा जाता है कई बार कि बिग इंच जो है वो क्या काम आता है उसका, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें तरल पेट्रोलियम का परिवहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कराए नाफ्टा जो है अस्तित्व में आया, कब आया अस्तित्व में, 1994 है, 2004 है, 1947 है, 2012 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर एट का क्या होगा, 1994, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन कराए वृहत ट्रंक मार्ग गुजरता है, उत्तर अटलांटिक महासागर होकर, भूमत हिंद महासागर से होकर या फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, उसके बाद उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूमत सागर हिंद महासागर से क्या होगा, नाइन का ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर अटलांटिक महासागर होकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर टेन क्या क्या देख पा रहे, संभावनावाद जो है अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, संभावनावाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। देखिए ऑप्शन प्राकृतिक घटक है, मानवीय घटक है, दोनों ए बी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर टेन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्या कर देख पा रहे, निम्नलिखित में जो है कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक है। देखिए ऑप्शन रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, शांति एवं अस्थायित्व या फिर अनुकूलन जलवायु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं, ये जो है क्या है, एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा निम्नलिखित में जो है किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, जापान, फ्रांस, लाटविया या फिर अर्जेंटीना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नबर सी लाटविया है। काफ़ी बार ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक उच्च लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, तो ये लाटविया इस तरह भी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक निर्मित किया, रेडजेल, उसके बाद है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूल हक और क्या है अरुणभा घोष। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूल हक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी दोबारा रिपीट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप किसी तरह क्वेश्चन कन्फ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 का करा है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन
सॉरी उत्पाद नहीं है, चीन, नमक, कॉफ़ी या फिर चाय। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है देख पा रहे होंगे, क्या राइट आंसर होगा चार ऑप्शन में से। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नमक। नमक जो है कृषि संबंधित नहीं है, आपको पता होगा ये कहाँ से निकलता है, समुद्र से, जो कि एक तरह का कृषि नहीं है। बाकी ये चीनी, कॉफ़ी से तो पता होगा, जमीन से आप कृषि की तरह निकाला जाता है उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का अगर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित क्रियाकलाप में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, यानी अधिक, प्राथमिक क्रियाकलाप में, द्वितीय क्रियाकलाप में, चतुर्थ क्रियाकलाप में या फिर पंच क्रियाकलाप में। तो इन चार में से राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। जाहिर सी बात है जितना नवीनतम आते जाएगा उतना उसमें उच्च अन्वेषण की जो सम्मिलित उसको किए जाएंगे, जितना पुराना रहेगा उसमें कम होगा, क्योंकि प्राथमिक क्रिया में किसी तरह की अधिक मतलब किसी तरह का अच्छा पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कुछ भी चलता है, बट जैसे जैसे विकास होती आता है तो उसमें अलग अलग फैसिलिटी इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे, स्वेज नहर जो है जोड़ती है, किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का अगर देख पा रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका सॉरी अमेरिकी राष्ट्रों में से जो कौन एक ओपेक का सदस्य है, ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली या फिर पेरू। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या है, एक ओपेक का ओपेक का सदस्य है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 का अगर देख पाओगे, निम्नलिखित में जो है कौन सांस्कृतिक नगर है, जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फिर फ्रैंकफर्ट, कौन जो है सांस्कृतिक नगर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेरूसलम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 का देख पाओगे, निम्नलिखित में कौन जो है आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है, कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर या फिर मेफिन्स, कौन आंतरिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मेफिन्स। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 20 का देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी रिपीट कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शन दिए देख पा रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी चीनी तिब्बती, क्या हो जाएगा, चीनी तिब्बती। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 21 का देख पा रहे होंगे, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल, बिहार, गोवा, इनमें से कोई नहीं, आसान से क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, क्या हो जाएगा, केरल। केरल में क्या साक्षरता दर सबसे अधिक है, बाकी दूसरा नंबर गोवा आ जाएगा इन ऑप्शन के हिसाब से, और पीछे बिहार सबसे पीछे होता है सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 22 का अगर देख पा रहे होंगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की शरणार्थी कहाँ से आए हैं, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश, सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आए हैं देख पा रहे होंगे। सो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से सबसे अधिक आए हैं, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 23 का देख पा रहे होंगे, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस एक की उच्च कोटि है, यानी इन राज्यों के हिसाब से दिया हुआ है, इनमें से किस राज्य की जो है मानव विकास सूचकांक अधिक है। तो जाहिर सी बात है आप सब पता होगा यहाँ पे केरल होगा, क्योंकि केरल में सब चीज़ में आगे है, तो जहाँ पे अगर शिक्षा के मामले में आगे हो तो वहाँ पे सब चीज़ की तरह आगे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 7, 9, 28 या फिर 10। 24 का क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन देख पाओगे, तो फिलहाल पहले जो था 10 था, सॉरी 7 था, बट अभी करेंटली जो है उसकी संख्या कितनी हो गई है, वो 9 हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या देख पा लोगे, साफ्टा जो है वो किस संदर्भ में वर्णित है, चार देख पा लोगे ऑप्शन दिया हुआ है, वनरोपण है, सीमांत किसान विकास है, उसके बाद लघु कृषक विकास है या फिर नहर प्रणाली। तो 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी लघु कृषक विकास। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 करा, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। बट अगर आपको जगह के हिसाब से पूछा जाए तो कम जगह में सबसे अधिक पंजाब में होता है गेहूँ, कहाँ होता है, पंजाब में, जगह कम है बट उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जो पंजाब में जगह उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम है, लेकिन अधिक जो गेहूं उत्पादन होती है वो पंजाब में होती है, लेकिन यहाँ पे आपको चार राज्य दिया हुआ है, इस हिसाब से सदी सबसे अधिक अगर गेहूँ निकला जाए
अधिक मतलब तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश निकलेगा, लेकिन जमीन के हिसाब से निकाला जाए तो यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछ रहा है भारत में गेहूँ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से जो है किस सेक्टर में है, सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिंचाई, मैंने सबसे अधिक जल का इस्तेमाल जो सिंचाई में किया जाता है, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 करा है, खनन जो है किस प्रकार का क्रियाकलाप है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है। तो चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तृतीयक क्रियाकलाप होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है कहीं भी मुझे मिलता है प्रथम क्रियाकलाप कुछ गैस पेपर में, तो लेकिन तृतीयक क्रियाकलाप होना चाहिए, तो आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करा है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, बोकारो, गिरिडीह, उसके बाद सिंगरौली, उसके बाद झाड़िया। तो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिंगरौली, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का देख पा रहे होंगे, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, गोवा है, महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, मैग्नीज दिया हुआ है, अभ्रक है, लोहा अयस्क है, या फिर लिग्नाइट है, ए बी सी डी में क्या ऑप्शन होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का देख पा रहे होंगे, हुगली जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कोलकाता से हावड़ा, उसके बाद कोलकाता से मेदिनीपुर, कोलकाता से सिसरा, या कोलकाता से कौन नगर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता से हावड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 33 का आगे देख पा रहे होंगे, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, चेन्नई दिया हुआ है, उसके बाद सोलापुर है, कोयम्बटूर है, अहमदाबाद है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोयम्बटूर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे हैं क्या कह रहा है, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, बोकारो है, भिलाई है, राउरकेला है, या फिर दुर्गापुर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोकारो। आगे क्वेश्चन नंबर 35 का देख पा रहे होंगे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास, या फिर भूमि उपनिवेशन। तो यहाँ पे 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि विकास, बट कहीं पे मिलता है परितंत्र विकास, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ए मिलता है कृषि विकास, तो ये शायद नहीं होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, परितंत्र विकास। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए इसमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो परितंत्र विकास। सो आप लोग काफ़ी लोग कभी लोग मुझे कृषि विकास पर कमेंट कर रहे थे, तो परितंत्र विकास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 करा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू जो है समुद्री पत्तन अवस्थित है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात। 36 में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का आखिर देख पा लोगे, निम्नलिखित में जो है कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलोर, या फिर दिल्ली, सूचना प्रौद्योगिकी बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी बेंगलोर, क्या हो जाएगा, बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का देख पा लोगे कि उत्तर दक्षिण गिरियार जोड़ता है, किसको जोड़ता है, जम्मू को त्रिवंतपुरम से, और भी चार तीन ऑप्शन है, तो यहाँ पे 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 39 का अगर देख पा रहे होंगे, योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था, योजना आयोग 1950, 1947, 1952, या फिर 1960। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 1950 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का है, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बनिक आयन। तो 40 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पर एक रीज़न हो सकता है आपके सामने, निम्नलिखित प्रदूषक
इसलिए नहीं मारता कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं, बाकी इसको ग्रहण करके वो शुद्ध हवा के रूप में निकाल देते हैं, इस कारण से इसको प्रदूषित नहीं माना जाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 का देख पाओगे, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? देख पाओगे रूस है, अमेरिका है, जापान है, मलेशिया है। तो 41 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी मलेशिया। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश क्या है? तो मलेशिया। आगे क्वेश्चन नंबर 42 का है, देख पा रहे हो कृषि के लिए इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त है पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान, वर्षा भर वर्षा के क्षेत्र। तो वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। तो 42 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मैदान। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? वो मैदान है, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है। मैदान लगभग सभी चीज़ के लिए, घर के लिए, कृषि के लिए, सभी चीज़ के लगभग, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। वन कराए इनमें कौन औद्योगिक नगर है? देख पाएंगे वाराणसी भी है, पटना है, लाहौर है और पिट्सबर्ग है। तो मैं चार में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पिट्सबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देख पा रहे, भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी, भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी कितनी थी? चार ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर दो का क्या होगा, ऑप्शन नंबर दो का डी हो जाएगा, यानी 1991 से 2001। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन कर रहा है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? देख पाएंगे ऑप्शन है आर्यन है, चीनी है, द्रविड़ है, ऑस्टिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो तीन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रविड़। तीन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर करा है, इनमें कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? इनमें से कौन जो है ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? देखिए गुच्छित है, अर्धगुच्छित है, पल्लीकृत है और उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो कहें उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, पटना है, धनबाद है, जमशेदपुर है और नासिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, पांच का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिक, जो कि कहाँ पे है, पश्चिम में है, भारत के कौन से इसमें है, पश्चिम में है, मुंबई में, आप लोग पता होगा मुंबई की तरह पश्चिम है, और पटना है, जमशेदपुर, ये सब धनबाद, ये सब कहाँ पे है, तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, ये पूर्व की ओर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछता क्वेश्चन, पूर्व में अवस्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स करा है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। देखिए ऑप्शन आगरा है, पटना है, चंडीगढ़ है और सूरत है। तो मध्यकालीन नगर की बात करेंगे तो क्या होगा, सूरत, सूरत जो है एक मध्यकालीन नगर है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन करा देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? देखिए ऑप्शन गेहूं है, कपास है, बाजरा है और मक्का है। तो रबी की फसल कौन हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गेहूं। चलिए यहां पे क्या पूछता है, उत्तर भारत में पूछता है, इसलिए गेहूँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सात का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट करा देख पा रहे, कॉफ़ी उत्पादक राज्य यहाँ पे कौन सा है, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा या फिर पंजाब? तो आठ का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन का देख पा रहे होंगे, हरित क्रांति का संबंध जो है किससे संबंध है, हरित क्रांति का संबंध, देखिए यहाँ पे चाय उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है, दूध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी जगह यानी खाद्य उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर दस करा है, क्या करा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, टॉलमी है, उसके बाद स्ट्राबो है, हैकेल है और रेडजेल है। तो क्वेश्चन नंबर दस का ऑप्शन नंबर डी जगह यानी रेडजेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ग्यारह करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे जो कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, चार ऑप्शन देख पा रहे, तो ग्यारह का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मात्रात्मक क्रांति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा भी जाता है मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बारह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है? देखिए ऑप्शन देख पाएंगे, ओमान, लाइबेरिया और लाटविया या फिर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 का नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी लाटविया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लाटविया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देख पा रहे कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत जो है इनमें से किसने दिया? तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा नोएस्टीन, किसने दिया, तो नोएस्टीन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 14 क्या देख पा लोगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं आप सामने दिया हुआ ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो उत्तरी अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या देख पा लोगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, देखिए ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन, क्या जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। यहाँ पे जो कौन सा निम्न कृषि का प्रकार जो है जो कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, चलिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, यानी द्वितीयक क्रियाकलाप कौन सा नहीं है, यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि ये क्या है पहला है मछली पालन, ये क्या है ये पहला है यानी द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का देख पा रहे होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, देखिए ऑप्शन खनन है, पर्यटन है, गायन है और शिक्षण है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 18 का डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षण, क्योंकि शिक्षण क्या है पूरे विश्व में चलता है, यानी सबसे बड़ा जो है शिक्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का देख पा रहे क्या कह रहा है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था, देखिए ऑप्शन अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा 19 का राइट ऑप्शन नंबर डी जाएगा यानी जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, दूरसंचार, वक्त, परिवहन या फिर क्या कहते हैं संचार, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 का राइट ऑप्शन यहां पे हाँ सी हो जाएगा, डी हो जाएगा यानी संचार, क्या जाएगा संचार। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। यहीं पे अगर कोई सामान बोलते हैं कि सामानों का आदान प्रदान क्या होता है तो उसको कहते हैं परिवहन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में आ सकता है कि परिवहन और संचार में क्या अंतर है, तो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसको परिवहन कहेंगे, किसी भी सूचना को संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसे संचार कहते हैं। परिवहन का साधन जो होगा गाड़ी मोटर ये सब हो जाएगा, और क्या कहते हैं संचार का टेलीफोन मोबाइल इंटरनेट ये सब क्या हो जाएगा संचार का उदाहरण ये क्या कहते उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 21 का देख पाओगे, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी बाहर से लाए गए सामान को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार, निर्यात, आयात या फिर बाहन व्यापार, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ध्यान से ऑप्शन को देखिए, राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जगह यानी आयात। जब भी बाहर से कोई सामान को मंगाते हैं उसको क्या कहते हैं आयात कहते हैं, और जब भी इसी देश से मतलब किसका भी जब भी कोई सामान को देश से बाहर निकल आता है उसको कहते हैं निर्यात। आप लोग इससे आ सकते हैं आने को आयात और जाने को मतलब निकालने को निर्यात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का देख पा लोगे, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ रैखिक, त्रिभुजाकार और आयताकार या फिर श्रीनुमा, तो पर्वत क्या होगा पता होगा आप लोग, पर्वत क्या होता है इस तरह का मतलब होता है, तो इसमें क्या जाहिर सी बात है खेती करेंगे हम लोग श्रीनुमा करेंगे यानी इस तरह करके, ठीक है। तो पर्वतों पर किस तरह की खेती की जाती है तो हो जाएगा श्रीनुमा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों एवं नहरों के सहारे विकसित होता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रैखिक। जब भी बस्ती होगा सड़क के और नदी के किनारे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा रैखिक बस्ती होगा, क्योंकि सड़क क्या होता है हमेशा रैखिक सीधा होता है, तो यहाँ पे बस्ती भी क्या होगा हमेशा सीधा होता है, बस्ती क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा, नदी भी क्या होता है इस तरह सड़क की तरह होता है, तो यहाँ पे बस्ती को तो क्या हो जाएगा वो इस तरह सीधा रहेगा बस्ती, तो ठीक है। तो इसमें नदी और सड़क के किनारे बस्ती कैसे होगी तो रैखिक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का है, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, यहाँ पे कौन जो है इथियोपिया की राजधानी है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अदिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी क्या है अदिस अबाबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षित का प्रतिशत सर्वाधिक है, किसमें शिक्षितों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, ऑप्शन को देखिए आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, केरल है और उत्तराखंड है, तो 25 का क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 करा है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ये कौन सा यहाँ पे क्षेत्र है जो नगरीय है लेकिन यहाँ पे प्रवासी जनसंख्या क्या है सबसे अधिक है, देखिए ऑप्शन देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो ये ऐसा क्वेश्चन है काफी पूछा भी जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा है,
क्या कहते हैं अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी, यानी अनुमान के तौर पर कहा जाए किस वर्ष भारत की जनसंख्या जो है 2 अरब हो जाएगी। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने, 27 दिया होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इन 2036, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी 2036। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, देख पाएंगे भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रावधान है। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक धारा जो पुरुष प्रवास है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय, क्या हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 29 का देख पा रहे, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे एक तरह इस तरह क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं तो पता होगा वृत्ताकार वर्गाकार रैखिक या फिर चौक क्या कहते हैं चौकपट्टी, तो यहाँ पे 29 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो कहें रैखिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा, तेलंगाना राज्य की राजधानी है कौन सा, राजधानी तेलंगाना की राजधानी है, आसान से क्वेश्चन बोला आप लोगों को पता होगा आप सभी को तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो 30 का ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राजधानी हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करा है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, यहाँ पे जो कौन सा राज्य है चार में से जो चीन की सीमा पर स्थित है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 31 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि हरित क्रांति संबंधित है, यानी हरित क्रांति जो है किससे संबंध है, देखिए चार ऑप्शन देख पा रहे आप लोग, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है खाद खाद्यान्न उत्पादन से, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी एक तरह का रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 32 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, यानी कौन सी या जो नदी बेसिन जो सबसे छोटी है, देखिए नर्मदा बेसिन है, गोदावरी बेसिन है, माही बेसिन है और तापी बेसिन है, तो यहाँ पे 33 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी बेसिन, 33 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है माही बेसिन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी माही बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित नदियों में कौन जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यहाँ पे चार नदियों के नाम दिए हुए हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो 34 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तापी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कराया, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नर्मदा क्या कहते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से पूछ रहा है आपके सामने, क्या पूछ रहा है किसमें जो है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए ध्यान से कह रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया, ऑप्शन को देखिए ध्यान से दिया हुआ है, कल्पकम है, उसके बाद कहते हैं नरोरा है, तारापुर और राणा प्रताप सागर, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 36 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जगह यानी तारापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करा है, निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे, चंबल है, कोसी है, हीराकुंड है और भाखरा है, तो 37 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कोसी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 करा देख पा रहा हूँ, क्या कह रहा है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी और हाजीपुर, तो 38 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी हाजीपुर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39 का देख पाएंगे, क्या कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, पारादीप बंदरगाह जो है कौन से राज्य में है, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर गुजरात, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 40 का देख पाएंगे, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, सुंदरबन जो है कौन से राज्य में स्थित है, गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर केरल, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी जगह नहीं पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन 41 का देख पाओगे, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक समूह सदस्य है, यहाँ पे चार जो देख पा रहे होंगे चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 41 का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी साफ्टा का सदस्य है भारत। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 का है, क्या करा है देखिए ध्यान से, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित किससे है, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर दोनों से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी वायु संरक्षण से। क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों भी बताइए ताकि उसको भी फायदा हो सके, क्योंकि आपका एग्जाम का कोई अभी टाइम बचा हुआ नहीं है। चलिए तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।